यदि इस बाल का प्रयोग उसको बेच के कुछ धन आ जाए और उस धन का प्रयोग भगवान की सेवा में या भक्तों की सेवा में या समाज की सेवा में हो जाए, तो ये तो बुद्धिमानी की बात हो गई। इसमें नुकसान कहाँ है? भगवान श्री वेंकटेश विराजमान है तिरुमाला पर्वतमाला में, तिरुमाला में तिरुपति हम जिसको कहते हैं, तिरुपति बालाजी, और श्री संप्रदाय के द्वारा इनकी सेवा पूजा बड़े प्राचीन काल से चली आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग उस स्थान में गए भी होंगे, बड़ा अद्भुत स्थान है और बहुत ही सुंदर तरीके से सेवा पूजा होती है। हर वर्ष या यूं कहें हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं। और जहाँ तक दान के बारे में कहें तो संसार के जो धनी मंदिर हैं उन धनी मंदिरों में से एक ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है। और वहाँ पर एक पद्धति है कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो अपने बाल दान करते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं, अरे भाई बालाजी को बाल दान क्यों करना? बालाजी को लोग बाल दान करते हैं, उससे बिग बालों में जो बिग या और कोई दूसरे बालों के जो उत्पाद जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, बाजारों में बेचते हैं, उससे धन कमाते हैं। ये तो श्रद्धा का धंधा इन लोगों ने बना के रखा है, लोगों की श्रद्धा का प्रयोग कर रहे हैं धंधा करने में। हमें समझना होगा वास्तव में क्या ये श्रद्धा का धंधा है या इसके पीछे क्या क्या क्यों लोग बालाजी को बालदान देते हैं। ऐसे अनेक सारे कार्यकलाप हैं जहां विभिन्न प्रकार के नास्तिकों के द्वारा भगवत भक्तों के कार्यकलापों का विरोध किया जाता है बिना वास्तविक सिद्धांत को समझे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, लावण्यम केश धारणम, कलयुग में व्यक्ति की सुंदरता को उसके बालों से मापा जाएगा। एक जमाना था जब आदमी नाई के यहाँ जाता था और 5 रुपए में बाल कट जाते थे उसके। आज जावेद हबीब और मैट्रिक्स में जाके 500-500 700-700 हैं, हेयर ड्रेसर, इतना सब तामझाम फैल गया है। तो भागवत कहती है 12वें स्कंद में कि लावण्यम केश धारणम, ये जो बालों से व्यक्ति की सुंदरता को माना जाए। देखिए कहते हैं बालाजी में बाल दान करते हैं, दान के सिद्धांत को समझिए कि दान है क्या। दान एक तरीके से त्याग का प्रतीक है। कोई वस्तु या कोई और भी कुछ ऐसी ऐसा कार्य, ऐसी वस्तु जो हमें प्रिय है और हम किसी व्यक्ति के लिए उसको समर्पित करते हैं, हमें प्रिय है वो वस्तु लेकिन हम किसी और के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए उसको वो वस्तु प्रदान करते हैं, वो दान के पीछे का उद्देश्य है। जैसे हम देखते हैं कि एक बच्चा है, एक बच्चा अपने पिताजी से पैसे लेता है, अपने पिताजी से पैसे लेके एक कार खरीद के लाता है और कार की चाबी पिताजी के हाथ में देता है, कहता है पिताजी ये कार मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहता हूं। तो पिताजी कैसे गुस्से हो जाते हैं, चल भाग यहां से, मेरे पैसे से कार खरीद लाया, मुझे ही दे रहा है। कभी पिताजी ऐसे कहते हैं, उसके पिता का हृदय प्रेम से भर जाता है क्योंकि वो अपने बच्चे का भाव देखता है कि देखो मेरे बच्चे का मेरे प्रति किस प्रकार का भाव है, समर्पण का, प्रेम का भाव है कि ये मुझे कुछ देना चाहता है। तो यहां पर वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, यहां पर उसके पीछे की जो भावना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत में भी आपने सुना होगा एक कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो दुर्योधन के यहां बहुत अच्छे आहार की व्यवस्था थी लेकिन भगवान ने कहा मैं दुर्योधन के यहां नहीं खाऊंगा, दुशासन के महल में नहीं रुकूंगा। वो किसके यहां जाते हैं? विदुर के यहां जाते हैं, चाचा मैं आपके यहां खाऊंगा। और ऐसे अनेक अनेक भगवान शबरी के जूठे बेर भी खाते हैं। ऐसे अनेक अनेक हम दृष्टांतों में देखते हैं कि जहां भगवान वस्तु से अधिक उस भक्त के, उस व्यक्ति के भावना को महत्व देते हैं। भगवान तो हर वस्तु के स्वामी हैं, हर वस्तु उनसे ही आती है, हर वस्तु के स्वामी भगवान हैं। तो ये जो बाल दान करने की वहां पर प्रथा है, वहां हमें यह समझना होगा व्यक्ति को अपने बालों से बड़ा प्रेम होता है, बालों से बड़ा स्नेह होता है, उसे कहते हैं इसको टकला कर दो
पूरा काट दो, तो नहीं 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 ये हम पूरा काट नहीं सकते, बहुत स्नेह होता है। तो कहीं ना कहीं जो बाल दान वहां करते हैं, अच्छा एक चीज और, वहां कंपलसरी नहीं है कि सभी को दान करना है, लेकिन बाल दान करने की जो ये जो प्रथा है, ये वास्तव में उस व्यक्ति के, उस भक्त के त्याग का प्रतीक है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी कोई प्रिय वस्तु जो उसको प्रिय है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए देना चाहता है। ये उसके पीछे भाव है, उसके पीछे बालों का भाव नहीं। अरे जो लक्ष्मीपति हैं, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, उनको कोई व्यक्ति करोड़ दो करोड़ रुपए देके खुश कर सकता है क्या? उनकी पत्नी की कृपा से आपको धन प्राप्त हो रहा है, तो क्या ऐसे भक्तों को, ऐसे भगवान को आप बाल देके खुश कर लेंगे क्या, अपने बाल, शरीर के सिर के बाल देके? लेकिन इसके पीछे भाव है त्याग का, और भगवान भक्तों के इस त्याग के भाव का सम्मान करते हैं। वास्तव में कुछ लोग कहते हैं धंधा बना के रखा है। अब जैसे देखिए ये विग जो बनाते हैं, बाल जो पहनते हैं, या और दूसरे बालों से जो उत्पाद बनते हैं, ये तो अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुए हैं। पहले तो 50 साल पहले, 100 साल पहले ये सब नहीं बनते थे, लेकिन जो परंपरा है बालदान करने की, ये आज से नहीं चली आ रही है, वर्षों बीत गए इसके लिए, दशकों और शतकों बीत गए इसके लिए, तब जमाने से परंपरा चली आ रही है। तो ये परंपरा इसलिए प्रारंभ नहीं की गई थी कि इससे लाभ कमाया जा सके, इसलिए परंपरा नहीं थी। कुछ वहां महत्व होगा उस चीज का कि कैसे किसी भक्त के घटना से इसका जुड़ाव होगा, लेकिन जो नास्तिक हैं जिनको विरोध करना है, उनके लिए क्या है, नहीं 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 बालाजी में बालदान करके ये लोग धंधा करते हैं, श्रद्धा का धंधा बना के रखा है। अरे और यदि वेस्ट प्रोडक्ट ही तो है, बाल जाएगा बाहर फेंकेगा, यदि इस बाल का प्रयोग उसको बेच के कुछ धन आ जाए और उस धन का प्रयोग भगवान की सेवा में या भक्तों की सेवा में या समाज की सेवा में हो जाए, तो ये तो बुद्धिमानी की बात हो गई, इसमें नुकसान कहाँ है? तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा, लेकिन नहीं, जिनको विरोध करना है, इनके अंदर नास्तिकता प्रभावी है। क्योंकि कुछ समय पहले एक चलचित्र मूवी आई थी, मुझे लगता ओ माई गॉड ऐसा कुछ नाम था, उसमें इस प्रश्न के ऊपर कहा गया था। तो वहां तो बाल बेच के वो कह रहे थे श्रद्धा का धंधा कर रहे, अरे श्रद्धा का धंधा कर रहे, लेकिन वो धन भगवान की, भक्तों की, गरीबों की, समाज की सेवा में लगा रहे हैं। कितने सारे अन्य क्षेत्र, स्कूल, विद्यालय इत्यादि संचालित होते हैं। आपने क्या किया, आपने इस मूवी के माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से लोगों की श्रद्धा के ऊपर आघात किया, आपने श्रद्धा का धंधा किया, आपने धन कमाया और धन कमा के अपनी जेबों में भर लिया और आरोपण भक्तों के ऊपर कर दिया, ऐसे जनमानस के ऊपर कर दिया जो श्रद्धा से भरा हुआ है, जिसके अंदर श्रद्धा है भगवान की सेवा करने की। तो ये जो बाल दान करने की प्रथा है, ये बिग बनाने के लिए या धंधा करने के लिए नहीं है, ये त्याग का प्रतीक है, भक्तों के समर्पण का प्रतीक है कि कैसे भक्त भगवान के लिए कुछ प्रदान करना चाहते हैं, ये उसके पीछे का सिद्धांत है। तो ऐसे बालाजी भगवान विराजमान है इस तिरुमाला में और अनेक अनेक भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो हम सबको भी उनसे आशीर्वचन, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए कि हम उनके चरण कमलों को प्राप्त करें, हमारे हृदय में उनके प्रति भक्ति जागृत हो,